तो हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हमने एक वाटर पंप बनाया है। तो दोस्तों, इस वाटर पंप को हम 3 वोल्ट से लेकर 12 वोल्ट की सप्लाई से आसानी से वर्क करा सकते हैं। तो दोस्तों, आप इसे अपने स्कूल प्रोजेक्ट, साइंस प्रोजेक्ट और किसी कूलर बनाने के उपयोग में ले सकते हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। और दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़ दोस्तों, और आप इस वीडियो को शेयर, कमेंट एंड लाइक भी जरूर कर देना प्लीज़ दोस्तों। यदि आपको इस वीडियो में थोड़ा बहुत भी नॉलेज मिले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर कर देना प्लीज़ दोस्तों। आप सब्सक्राइब करने में इच्छा मत करो, अपने ही चैनल समझ कर हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करो। तो दोस्तों, अब इसके अंदर वाटर मोटर की पंखुड़ी लगा दिया है। तो दोस्तों, आप भी इस वाटर मोटर की पंखुड़ी को अच्छे तरीके से सुपर ग्लू की सहायता से अच्छे तरीके से लगा देना, वरना निकल सकती है। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. And love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. Through the wastelands, through the highways. And on we'll go.
दोस्तों हमारा वाटर मोटर प्रोजेक्ट बनकर अच्छी तरीके से तैयार हो चुका है। तो दोस्तों हम इसे 12 वोल्ट की बैटरी के द्वारा चलाएंगे। तो दोस्तों हम इसे पानी से भरे हुए टब के अंदर अच्छी तरीके से चला के देखते हैं। तो दोस्तों हमारा वाटर मोटर प्रोजेक्ट अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। तो दोस्तों आप इसे इसकी नेगेटिव और पॉजिटिव को अच्छी तरीके से कनेक्ट करना। यदि आपने अच्छी तरीके से कनेक्ट नहीं किया तो यह प्रोजेक्ट अच्छी तरीके से वर्क नहीं करेगा। तो दोस्तों हमारी मोटर पानी उठाना चालू कर दिया है। तो दोस्तों हमारी मोटर अच्छी तरीके से वर्क कर रही है। आप इसका उपयोग कूलर बनाने में भी कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपको ये एक्सपेरिमेंट अच्छा लगे तो हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर जरूर करना प्लीज़ दोस्तों, और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना जिससे कि हमें अगली वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले प्लीज़ दोस्तों।